नमस्कार बंसी जी। बंसी जी पहले ये बताइए कि आपने अपने सफर की शुरुआत कहाँ से की, कब से की? सबसे पहले तो इस चैनल को देखने वाले सभी को प्रणाम जी। और इस चीज का शुरुआत हम 2017 से किए थे। 2017 से वो पहला गाना कौन सा था जो बंसीधर ने गाया था? पहला गाना था कि एक नीमन दुल्हा मिल, तो टाइटल है जो कि गाना है नीमन दुल्हा भोला हुआ और जलवा चली। मैं थोड़ा चाहूंगा थोड़ा एक दो लाइन गुनगुना दे जी। गाना के बोल है नरे की चढ़ हल जवानी छोए बुरो बनाइले आ तबे सूरतिया खिलतौगे भोला बाबा के जलवा चढ़ैने नीमन दुल्हा मिलतौगे। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो बंसीधर जी जैसे देखा जाए तो मैथिली में आपका बहुत ज्यादा क्रेज है, आपके गाने आए दिन मिलियन से मिलियन छूते हैं, काफी ज्यादा क्रेज है लोगों में, तो अभी आने वाला कोई सॉन्ग हो जो मार्केट में? जी जरूर, और अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड होली है तो होली का रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको छोड़ेंगे। कुछ अभी मार्केट में जो आया हो कुछ वो सुनाइए। अभी मार्केट में एक सॉन्ग हम गाए हैं जी, कि सॉन्ग थोड़ा गांव घर टाइप का है। ओके, हाँ तो सॉन्ग थोड़ा गाने में तो नहीं होगा लेकिन सॉन्ग का टाइटल है आज ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा सॉन्ग है। ठीक है जी, यानी दोस्तों आज ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। कितना व्यूज अभी तक प्राप्त कर चुका है गाना? प्लस 20-25 मिलियन सुपरे होंगे। वाओ क्या बात है दोस्तों, 20-25 मिलियन, समझ सकते हैं आप लोग, इट्स अमेजिंग 20-25 मिलियन। तो बंसीधर जी जैसे देखा जाता है कि भोजपुरी में जो सिंगर बनते हैं आने वाले समय में उनको देखा जाता है कि फिल्म करते हैं, तो हम बंसीधर को भी देख सकते हैं कुछ दिनों में फिल्म में? जरूर 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 देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ अभी बना है, कुछ माहौल माहौल बन रहा है और काम होगा, अब शुरू काम शुरू होने वाला है, यानी बंसीधर की फिल्म भी आने वाली है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। वाह क्या बात है। चलिए दोस्तों इनके फैन जो है उनके लिए काफी अच्छी खुशखबरी की बात है कि अब बड़े सिनेमा पे बड़े पर्दे पे दिखेंगे हमारे बंसीधर चौधरी जी। और बंसी जी देखा जाए तो इस लाइन में जब आते हैं लोग तो उनके लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, तो बंसीधर जब स्टार्ट किए थे, स्टार्डम किए थे, तो उनकी लाइफ में भी ऐसी दिक्कतें आई थी कि जैसे अभी कहा जाता है क्या कि तू मत कर, ये बेकार चीज है, गांव घर वाले लोग तू इतना दिन से कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था आपको? जी जरूर। क्या फेस करना पड़ा था, कुछ बातें अगर कोई याद हो यादगार? अब जो घर का जो काम धाम है छोड़ छाड़ कर चले जाते थे स्टूडियो गाने के लिए, और पैसा भी लेकर जाकर खर्च कर देते थे, तो गार्जियन जो हो कभी कभी गुस्सा भी ज्यादा था, गार्जियन गुस्सा हो जाते थे। ओके, तो जो सॉन्ग गा रहे थे जिस स्टूडियो में, स्टूडियो अलबेला स्टूडियो है सिवान में, मेरे गुरु जी है, बोले कि आप कैसो भी गाते रहिए, आपका आवाज अच्छा है और ठीक ठाक रहिए। तो हमने थोड़ा घर का भी सब कुछ परेशानी समझते कैसो कैसो गाते रहे अपना, यानी धीरे धीरे अपने घर का ही परेशानी देखा और अपने आप को भी देखा कि मुझे कुछ करना है जी। वो पहला ऐसा कौन सा गाना था जो बंसीधर ने सोचा था कि नहीं गाओ, नहीं बजेगा, और वो बज गया? हाँ जो पहले गाए थे ना, कौन सा गाना? थोड़ा नीमन दुल्हा मिल तो गया। नीमन दुल्हा, हाँ, वो उम्मीद नहीं था कि चलेगा पर चल गया। चल गया, क्या बात है। उसके बाद बंसीधर ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा जी, बात गाते गए और अभी तक गा रहे। ऐसा कोई किस्सा जो आपके फैंस में आपको याद हो कि जैसे कोई लड़का मिला और उसके साथ कोई हंसी वाला किस्सा, ऐसा कुछ किस्सा आपको याद है कोई? कि जैसे अमूमन क्या होता है कि कभी हम मिलते हैं किसी स्टार से तो उन्हें याद नहीं होता कि हाँ उससे कभी मिले थे, पर आपको याद होगा कि उसको याद होता है कि हाँ वहाँ पे मिले थे, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? जी ऐसा तो नहीं बोलता, ऐसा नहीं होता। ओके, होता रहता है अमूमन, काफी लोगों के साथ होता रहता है। बंसीधर जी देखा जाए तो अभी लाइफ में जो भी आपने जर्नी की है इतने कम समय में, मैथिली में एक अलग दबदबा है आपका, एक अलग ही कब्जा है, कहा जाए तो उस वक्त सुनील छैला बिहारी जी थे जो मैथिली के शान कहे जाते थे, बहुत ही बेहतरीन सिंगर। कभी उनसे तारुक हुआ, मुलाकात हुई तो कुछ क्या बोला उन्होंने आपके बारे में? हाँ मुलाकात हुई और उन्हीं के सीख मिले हैं, हम जो गा रहे हैं अपने सॉन्ग उन्हीं को सुन रहे थे सब दिन, उसी से सीख मिले और प्रोग्राम भी उसका देखे, मुलाकात भी हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है, क्या बात है। बंसीधर जी हमारे दर्शक ये जानना भी चाहेंगे कि बंसीधर चौधरी गाते तो हैं पर ये लोगों को नहीं पता है कहाँ से हैं, तो आप कहाँ से हैं, बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। सहरसा डिस्ट्रिक्ट, सहरसा से हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, पावन धरती है सहरसा, बहुत बेहतरीन।
अब बंसीधर जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते कुछ दो लाइन जो आपका लव सॉन्ग बचता है मार्केट में वो कुछ दो लाइन गा दें और अलविदा लेना चाहेंगे। और अभी एक सॉन्ग बज रहा है कि ये कहीं वो दिल छाई दू दू गो जान के करा रखिए हो भगवान, ये कहीं वो दिल छाई दू गो जान के करा के रखिए हे भगवान, क्या बात है। तो आपको ज्यादा रिस्पांस किससे मिलता है, कॉलेज के लड़के स्कूल के लड़कों से या गार्जियन वाले लोग जो होते हैं, जैसे कैसे लोग आपको रिस्पांस करते हैं ज्यादा, क्रेज होता है ना कि हमें बंसीधर आ गया बंसीधर आ गया ऐसा कुछ? और सब घर घर यानी कि फैमिली सब सॉन्ग गाते हैं, फैमिली सॉन्ग गाते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं, टोटल सब आदमी, बच्चा जवान बूढ़ा जो भी हो सब करते हैं पसंद। पहला वो खुशी बताइए मुझे एक बार कि जब आप पहला आपका गाना हिट हुआ तो आपके गांव मोहल्ले का जो रिस्पांस क्या था आपको देखकर, क्या था? पता नहीं गांव में जब गाना इधर उधर सुनना, सब गांव का आदमी सब कहीं कहीं घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बोलते फलना आपका गाना हम सुने थे, हमको भी थोड़ा डिफरेंस है भाई, गाना बज रहा है, इसका मतलब बज रहा है, यानी लगा उस वक्त बज रहा है, कुछ किया हमने। तो फिर हमने YouTube पे डाले उस सॉन्ग को, तो YouTube पर भी काफी अच्छा उसका व्यू आया और हर जगह वायरल हो गया। क्या बात है, अभी किस कंपनी से आप गा रहे हैं? सारी लोग सारी कंपनियों से गा रहे हैं, सभी कंपनियों से गा रहे हैं। एक अभी मेरा भी चैनल है एक BNS Entertainment, BNS Entertainment आप लोग सब्सक्राइब करें, ये बंसीधर जी का चैनल है, बहुत ही बेहतरीन चैनल होगा और काफी उसपे गाने आए दिन आते रहते हैं आपके। हाँ हाँ उस पर। वाव, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बस ऐसे इस चैनल को देखते रहें और ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहें जैसे हमको देते हैं सबको, ऐसे सुनते रहिए। और चलिए थैंक यू फॉर यू बंसी जी, आपने अपना कीमती समय दिया।